रेडी। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया मैन आदि सभी लोगों को संबोधित करते हुए मैं बिग बॉस का सुपर हीरो और ओम जी हिंदू सेना, ओम जी हिंदू महासभा और राष्ट्रवादी, ओम जी महासंघ आदि 51 वैश्विक संस्थाओं का संस्थापक अध्यक्ष, वैश्विक अध्यक्ष स्वामी ओम जी। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी बयान दे रहा हूँ वो शाहीन बाग जो एरिया में जो अनपढ़, गवार, मूर्ख, देशद्रोही औरतें, बच्चे, पुरुष, ये लोग सब जो दिल्ली नोएडा रोड को, एक्सप्रेसवे को बंद करके, बंधक बना करके जिन लोगों ने CAA, NRC, CAB इसके खिलाफ वहाँ पर आंदोलन धरना दे रखा है और दोनों साइड के सड़कों को रोक करके जिन्होंने, जो लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, इन सबको वहाँ से भगाने के लिए मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन लगाया था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने भी सरकार को आदेश दिया कि इनको फौरन पीट करके वहां से भगाओ। लेकिन उसके बावजूद भी ये निकम्मी पुलिस उन लोगों को सिर्फ हाथ जोड़ रही है। आप ये देखिए कि जब 15 दिसंबर 2019 को जब इन लोगों ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से लेकर के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जाफराबाद, सिलमपुर, जामा मस्जिद, दरियागंज, इन सभी एरियाज में जाकर के इन देशद्रोहियों ने जब आगजनी की, लूटपाट किया, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस तरह से हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा, इनके इनके ऊपर में लठ बजाओ और इनको मुकदमों में फंसाओ। यही बात मैंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी कहा था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो उसका पालन किया जिसके वजह से वहां पर सारे के सारे जो देशद्रोही हैं वो अब शांत बैठ गए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी वही का वही कर रहे हैं। आप ये देखिए CAA, NRC, CAB, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे शिष्य हैं नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो बनाया है वो देश के हित के लिए पिछले 70 सालों से इसके बारे में सिर्फ कांग्रेस योजना बना रही थी लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में कुछ नहीं कर रही थी। हम तो आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, शेर दिल दिखाया, 56 इंच का सीना दिखाया और इस कानून को पास करवा लिया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, गजट में भी उसको घोषित कर दिया। अब इसको चेंज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी देशद्रोही प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, डी राजा, ये सब जो विपक्षी पाकिस्तानवादी जो नेता लोग हैं वो झूठ बोल बोल करके इन देशद्रोही मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कुछ जयचंद लोग जो अपने आप को देश का हितैषी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सिख कहते हैं, जैन कहते हैं, वो लोग वहां पे शाहीन बाग में जाकर के वहां पर वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनका पालन पोषण समर्थन कर रहे हैं। इन देशद्रोहियों को मैं सरकार से अपील करता हूं कि इनको NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन इनको गिरफ्तार करके इनको शूट एट साइट ऑर्डर करके इनका एनकाउंटर करो, जिस तरह से हैदराबाद में हमने एनकाउंटर करवाया उन आतताइयों को और उन दानवों को जिन्होंने वहां पर डॉक्टर रेड्डी के साथ में बलात्कार और उनको जिंदा जलाया था। अभी इसका एक ही इलाज है। इस देश में हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता, इसीलिए हमने ओम जी हिंदू सेना बनाई हुई है। और यदि ये दोनों स्टेट के पुलिस वाले, दिल्ली और नोएडा के पुलिस वाले, इनको इनके ऊपर में लाठी बरसाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो तो मुझे लिखित रूप में दे दे, मेरे ओम जी हिंदू सेना के 50,000 सैनिक, सशस्त्र सैनिक वहां पर जाकर के इनको लठ बजा बजा करके वहां से भगाएंगे। और इस तरह से लठ बजाएंगे कि दोबारा जिंदगी में ये लोग कभी भी हिम्मत नहीं कर सकेंगे कि ये दोबारा से देश के खिलाफ या आंदोलन या अभियान ये चला सकें। ये लोग पाकिस्तानी वादी लोग हैं, इनको यहां से भगा करके पाकिस्तान भेजो और नहीं तो इनको जेल में सड़ा दो।
इनकी आप ये देखिए कि ये अनपढ़ गवार लोग पढ़ते हैं नहीं सीएए को, पढ़ते नहीं है सीएबी को, पढ़ते नहीं है एनआरसी को, और बिना पढ़े दूसरों के मकावे में आकर के देश का नुकसान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। मैं आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर देखिए ना अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही वो भी वहां शाहीनबाग में जो लोगों को बैठा रखा है, आम आदमी पार्टी के लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो ये मूर्ख अनपढ़ गवार मुसलमान औरतें बच्चे और पुरुष लोग, तो इन लोगों को एक कहावत है कि टिट फॉर टैट, हमारा शास्त्र भी कहता है सठे साक्षम समाचर, जो लात के भूत होते हैं बात से नहीं मानते, उनको लात से ही मनाया जाता है, इनको मारो वहां से भगाओ, यदि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो हमको लिखित रूप में परमिशन दो, हम अपने 50,000 सैनिकों के साथ हिंदू सेना के सैनिकों के साथ जाकर के लठ बजा बजा करके वहां से सड़कों से हम भगाएंगे, और इस ढंग से भगाएंगे कि दोबारा कभी इनमें हिम्मत नहीं होगी कि ये देश के खिलाफ ये सब कुछ कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ सीएए जिंदाबाद, सीएबी जिंदाबाद, एनआरसी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।